हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोकिया के एक लेटेस्ट डिवाइस की, नोकिया 4.2 की। इसके अलावा मैंने अभी नोकिया के 3.2 की भी अनबॉक्सिंग करी थी, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। और अगर आपने वो फोन लेना है तो मेरे हिसाब से आप उसकी अनबॉक्सिंग एक बार जरूर देखें। वो डिवाइस हमारा बहुत ही बेकार फोन है। अगर कोई और भी आपके आसपास है जो वो फोन लेना चाहता है तो उनको भी वो वीडियो जरूर दिखाएं। अब आइए आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि ये हमारा डिवाइस कैसा है। सो फटाफट से खोलते हैं इस बॉक्स को। मेरे पास इसका काफी डिफरेंट कलर है, सैंड पिंक कलर है, तो देखते हैं चुनमें देखने में कैसा लगता है। ये रहा हमारा डिवाइस, आप देख सकते हैं सैंड पिंक कलर में है। हमारे पास बहुत ही डिफरेंट लुक आ रही है इसकी। वैसे इसके अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है, तो डिवाइस ऐसे लुक वाइज ज्यादा प्रीमियम सा नहीं लगेगा आपको होल्ड करने में। मतलब नोकिया का जो हमारा 5.1 प्लस था और जो बाकी भी नोकिया के डिवाइसेज आते हैं, या तो उनमें हमें यूनियन मेटल बॉडी मिलती है या फिर ग्लास बॉडी मिलती है। अगर ये हमें ग्लास में मिलता यही शेड तो बहुत ही ऑसम लगता। अभी हालांकि इतना मजेदार नहीं लग रहा, बट वैसे यूज करने में आपको डिफरेंट लगेगा डिवाइस काफी। और आप देख सकते हैं बैक साइड में यहाँ पे मेंशन है कि इसके अंदर हमें एंड्रॉइड 1 मिलता है, तो गूगल अपडेट्स, एंड्रॉइड अपडेट्स आपको इस डिवाइस में सबसे पहले मिल जाएंगे। इसके डायमेंशन की बात करें तो 149 mm इसकी हाइट है, 71 mm इसकी विड्थ और 8.4 mm इसकी थिकनेस। और ये डिवाइस हमारा 161 grams का है। ये मैंने डिवाइस को स्विच ऑन कर लिया है, साथ ही इसको सेटअप भी कर लिया है। इसके डिस्प्ले पे अगर आप नजर डालें तो हमें मिलता है 5.7 inch का HD+ डिस्प्ले। फुल HD नहीं मिलता, मिलना चाहिए था जो कि। और उसके साथ अगर आप डिस्प्ले को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा इतना ब्राइट भी नहीं लग रहा डिस्प्ले। मतलब व्यूइंग एंगल्स जो हैं इस डिवाइस के वो इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं है। मतलब आपको अगर अपनी गर्लफ्रेंड से छुप के मैसेजेस करने हो अपनी किसी और फ्रेंड को या किसी और दूसरी गर्लफ्रेंड को, तो आप आराम से कर सकते हैं। साथ बैठे हुए बंदे को दिखाई भी नहीं देगा कि आपने क्या टाइप किया या क्या कर रहे हो आप अपने फ़ोन में। इतने ज़्यादा इसके व्यूइंग एंगल्स बेकार हैं। और इसके साथ अगर इसके डिस्प्ले को आप वैसे भी देखेंगे तो गेम खेलते समय भी इसके कलर्स जो हैं वो इतने मुझे ब्राइट नहीं लगे यूज़ करने में। और वैसे तो मेरा इसका टेस्टिंग करने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा, आप कहेंगे तो मैं टेस्टिंग इसकी कर दूंगी। और इसके साथ इसके प्रोसेसर की बात करें तो हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर। उसके साथ एंड्रॉयड 1 तो मिलता ही है, साथ में एंड्रॉयड पाए है हमारे पास। और इसके साथ 3GB RAM, 32GB वेरियंट है हमारा, जो कि वैसे तो 10,500 रुपये का है, लेकिन अभी आपको कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है इसके ऊपर तो 9,500 रुपये में मिल जाएगा। वैसे इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अब मैंने इस डिवाइस का एंटीटू स्कोर निकाला है जो कि आया है 79,000। और एक्चुअल में यूज़ करने में डिवाइस जो है वो थोड़ा स्लो लग रहा है। मतलब इतना मज़ा नहीं आ रहा है इसको यूज़ करने में। अगर मैं आपको इसका फेस अनलॉक दिखाऊं तो वो भी आप देख सकते हैं। फेस अनलॉक हमारा स्लो है और फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो भी हमारा फास्ट नहीं है, स्लो है। और इवन अगर आप डिवाइस को नॉर्मली भी यूज़ करोगे कोई एंटीटू निकालने में या कुछ और करने में, तो भी डिवाइस एक्चुअल में स्लो चल रहा है। मतलब जब आपके पास सेम बजट में ऑलरेडी नोकिया के अंदर 5.1 प्लस के अंदर हमारे पास P60 प्रोसेसर था, तो आपको वही डाल देना चाहिए था। खाम का ये स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर दिया है जो कि एक्चुअल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और वैसे इसके साथ एक और चीज़ है जो मुझे काफ़ी बुरी लगी कि इसके अंदर हमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट तो मिल जाता है, अब 2 SIM कार्ड के साथ अपना एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर अपनी 2 Jio SIM नहीं चला सकते क्योंकि डुअल वोल्ट की हमें इसके अंदर ऑप्शन नहीं मिलती। तो ये भी एक गड़बड़ वाली बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ इस डिवाइस का कैमरा। बैक पे हमें मिलता है 13+2 का डुअल कैमरा सेटअप। 13 वाले का अपर्चर है 2.2। अब 2.2 अपर्चर सुन के तो मेरे को मतलब एकदम हंसी आ गई यार, क्या किया है, 2.2 क्यों दिया है, 2.6 देना था, 2.8 देना था। मतलब बंदा फोटो खींचे तो पूरी काली पिक आनी चाहिए ना, पिक क्यों आएगी। अब देख सकते हैं पिक्स का सैंपल मैं आपको दिखा रही हूँ। कैमरा एक्चुअली मुझे इसका ज़्यादा पसंद नहीं आया, फोकस कलर्स इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं और साथ ही एक्सपोजर भी बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पा रहा। मतलब सेम लाइटिंग कंडीशन में सारी पिक्स हैं, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एक्सपोजर कितना ज़्यादा कर दिया, और जो हमारी बुके मोड की पिक है उसके अंदर भी एज डिटेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कैमरा बैक तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फ्रंट जो है उसका अपर्चर हमारा 2 है, 8 MP का सेल्फी कैमरा है और वो हमारा ठीक है। मतलब उसमें भी यूज़ करने में कैमरा भी आपको स्लो लगेगा और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी बुके मोड में ब्लरिंग इफेक्ट हमारा अच्छा नहीं है। और उसके साथ नॉर्मल मोड ठीक है, ब्यूटी मोड में भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया। जो लोगों को सेल्फी ज़्यादा अच्छी लेनी होती है तो इतना मज़ा नहीं आएगा इसके कैमरा में, ना ही फ्रंट में ना ही बैक में।
इसके बाद इस डिवाइस के अंदर हमें 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। ये है हमारी इजेक्शन पिन, उसके साथ ये है हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, साथ में इस तरफ आप देख सकते हैं ये है हमारा ट्रेवल अडैप्टर जो कि हमारा 5 वॉट का चार्जर है। 3000 mAh की हमें इसके अंदर बैटरी मिलती है और सिर्फ 5 वॉट का चार्जर। मतलब आजकल तो यार किसी भी कंपनी का चार्जर आप देख लो, जो भी अभी डिवाइसेस आ रहे हैं वो फास्ट चार्जर ना भी नहीं तो 10 वॉट का चार्जर तो दे ही देते हैं, इन्होंने 5 वॉट का दिया है। मतलब हो क्या गया है नोकिया को मुझे तो समझ नहीं आ रहा। उसके साथ आप ये देख सकते हैं हमें इस बार माइक्रो यूएसबी केबल मिली है क्योंकि डिवाइस के अंदर हमें टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता। पहले नोकिया टाइप सी पोर्ट दे रहा था इस बजट में, अभी भी हमारे पास 5.1 प्लस में टाइप सी पोर्ट है, इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट कर दिया। बाकी कंपनियां आगे बढ़ती है, ये पीछे जा रहे हैं। उसके साथ ये आप देख सकते हैं हमारे नॉर्मल ईयरफोन्स हैं, साथ में 3.5 हेडफोन जैक के साथ। सो गाइस, ये था हमारा नोकिया का 4.2 जिसके लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। और एक्चुअल में मुझे ये डिवाइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरे हिसाब से जो भी नोकिया के फैंस हैं जो फोन लेना चाह रहे हैं नोकिया का, वो एक बार 5.1 प्लस देख ले, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मतलब इससे तो बहुत ही अच्छी है, उसमें जो हमें प्रीमियम ग्लास बॉडी मिलती है, जो लुक आती है, जो फिनिश है उस डिवाइस की, उसका तो कोई कंपटीशन है नहीं। व्हाइट कलर में तो एकदम किलर लगता है वो डिवाइस। और उसके साथ उसके अंदर प्रोसेसर भी अच्छा मिल जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, कैमरास अच्छे मिल जाते हैं। मतलब इससे तो बहुत ही बेटर है वो। और मेरे हिसाब से अगर आपके आसपास भी कोई है जो ये फोन लेना चाहता है तो उसको आप इसकी सच्चाई बता दीजिए, ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और साथ ही अगर आप नोकिया 5.1 प्लस देखना चाहते हैं वो कैसा है, तो उसका भी मैं खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इसकी अनबॉक्सिंग का वो आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।